एक और जहाँ सारा देश सारा विश्व खासकर अपने देश की बात करें तो कोरोना से जो त्रस्त है, हालांकि अभी कुछ नॉर्मल हुआ है, इसके बावजूद अभी पूरा देश बेरोजगारी महंगाई चरम पे है, पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है और भी खाद्य सामग्रियों का सब बढ़ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए महंगाई तो सीमा से फालतू है, किसी है महंगाई तो बढ़ ही गया है। बाकी मोदी जी बोले थे कि हर अथी हम लोग विकास पुत्र हैं, अच्छा दिन आने वाला है और अच्छा हम लोग घर घर गैस दिए हैं, महिलाओं के बोला फुसला के अथी कर करके अब गैस दिए, गैस दे के बोले कि हम लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छा दिन आएगा और सब्सिडी माफ़ हो जाएगा और गरीब को हम लोग अच्छा दिन लाएंगे। तो अच्छा दिन क्या लाएंगे कि हर घर में तो जहाँ जाते हैं जहाँ तो गरीबी तो गरीब रो रहा है। तो इसलिए तो हम लोग तो सोचते थे कि जे गोइठा पर हर घर में जाते थे तो चूल्हा जोड़ने के लिए चूल्हा पर खाना बनाता था, ये करता था वो करता था, और आज जाते हैं तो उधर देखते हैं कि सिलेंडर भी गला है तो वो भी गला है, कहाँ सिलेंडर पर खाना बन रहा है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने वो घर बोले थे कि गैस फ्री में दे रहे हैं, हर आदमी को गैस फ्री में दे रहे हैं, तो लोभन दे कर गैस को फ्री में कह कर और कहाँ गैस फ्री में दिए, 1000 रुपये जाते हैं हर घर में जाते हैं तो गरीब क्या करेगा, और गरीब ना ही गरीब चूल्हा जोड़ रही है और ना गरीब गैस पर खाना बनाए, गरीब तो बीच बीचवा में सरकार नाम रखा सुशासन लेकिन सुशासन करा दें, ये रोड पर कोई अवला भी सुरक्षित नहीं है, शिक्षा भ्रष्ट है। आज हमारे शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं और भाभी लूटने के लिए सारा बच्चों को विद्यालय बंद करा करके कोरोना का एक बहाना बना लिया, कोरोना के नाम पर सारे बच्चों को भविष्य बिगाड़ दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी के नाम पर सारे थानेदार को रोड पर गुंडा बना दिया, अगर कोई आज से पी भी लिया तो उसे जेल में बंद करो, लेकिन शराब बेचने वाला कभी बंद नहीं हुआ। आखिर क्या कमी है कि शराब मिलता भी है लेकिन बेचने वाला पकड़ाता भी नहीं है, ये बिहार की नीति है, ये सरकार की नीति है कि गरीबों को 0 पर खाता खुलाया लेकिन मिला कुछ नहीं, कहाँ गए आपके 15 लाख रुपये वादे जो कर गए थे कि हर खाता में 15 लाख रुपया देंगे। प्रधानमंत्री महोदय जी, मैं आपका अपमान नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि कम से कम 15 लाख रुपया के जगह पर आपने 5000 रुपया भेज दिए हुए होते गरीब को, तो आज वो पैसा 50,000 गरीबों को हो जाता, लेकिन आपने तो कुछ किया ही नहीं। आज का वर्तमान मुखिया से तराही माम है जनता, क्या नल जल योजना एक गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा है, एक भी इंदिरा आवास गरीबों को नहीं मिल पाया, कैसी नीति है, कैसी सरकार की नीति है, सरकार जांच कर रही है, जांच करके भी तो फैसला सुनाइए कि क्या हो रहा है, डीजल के भाव तो घटाइए, राशन तेल के तो भाव घटाइए, बोलते हैं जो चावल महंगा हो गया उसे तो कम कीजिए, बोलते हैं कि हर गरीब के चावल राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन एक आदमी के राशन मिल रहा है, तो कहाँ राशन मिल रहा है, कोई घर घर में जाते हैं तो गरीब लोग पूछते हैं कि आप लोग के राशन मिलता है, तो कार्ड रहते भर में भी राशन हम लोग के नहीं मिल रहा है, राशन भी अच्छा नहीं मिलता है क्या? नहीं मिल रहा है, कहाँ राशन मिल रहा है, अभी मौका दें तो हम बुला के लाते हैं, गरीब गुरुआ को बुला के लाते हैं, यहाँ राशन मिलता है लोगों को या नहीं मिलता है, पानी पीने के लिए कितना जिल्लत उठाना पड़ता है लोगों को, आज कहीं भी काम हुआ महादेव स्थान में मुखिया के द्वारा कोई काम कराया गया उस काम में जाकर के देखिए, आज डूबने की स्थिति है, नाली जो बनाया गया जिसमें आदमी गिर के मर रहा है लेकिन आज कोई भी उसको देखने वाला तक नहीं है, लेकिन सरकार तो उनका जो साथ से अपना पीठ थपथपा, सरकार तो जब तक तेजस्वी जी का आएगा नहीं तब तक तो बिहार बदलेगा नहीं, इसलिए भारत में सरकार अस्थाई देगी तो कांग्रेस, बिहार में अस्थाई सरकार देगी तो RJD, इसलिए कि हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव गरीबों के नेता है, अब उन बाहर आ गए हैं, अब हम लोग को मनोबल गरीबों का बल बढ़ गया है और हम लोग गरीब दलित पिछड़ा सब उनके साथ हैं,
हम लोग तो जिता ही दिया, लेकिन अब क्या षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र के तहत सरकार नहीं बनने दिए लोग। आज नीतीश कुमार बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी सुरक्षित है कि पढ़ेगी? बेटी कहाँ सुरक्षित है, हार जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, तब देखते हैं कि आज बलात्कार चोरी सब तो सीमा पर से फालतू है, सीमा पर बढ़ल है, तो कहाँ बेटी सुरक्षित है? कहीं पर तो जाते हैं तो देखते हैं कि आज वहाँ अथी रेप करके मार के फेंक दिया है, तो आज वहाँ है, तो आज वहाँ है, हर जगह पर तो। अरे हाल फिलहाल में देखिए कि यहाँ की नई कहानी है, यहाँ एक बगल के काजी बीघा गाँव के बगल में लाश बीघा था, उसको अंडारी के एक लड़की को दे करके और पहचान करा के उसको दाह संस्कार करा दिया, और आज फेसबुक पर पेपर दे रहे हैं, आप ही लोग मीडिया के लोग दे रहे हैं कि लड़की मोबाइल से फेसबुक चला रही है। आज ही का पेपर में तो कुछ लिखा है। अब इस पर सरकार विचार करे, क्या सरकार की नीति है, क्या विकास की नीति है। बहुत उम्मीदों के साथ नीतीश बाबू को भी बैकवर्ड का नेता मान करके गरीब दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन ये तो अंग्रेजों के गोद में जाकर बैठ गए। हम लोग बेचारे निहत्थे रह गए, गरीब हम लोग कमाते खाते हैं, इसी तरह से गरीब हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, रोजगार भी कर रहे हैं, तो मोदी जी उसके भी उसे भी बंद करा दिया। हमारा नाम वीरेंद्र कुमार है, हम सोनभाई पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं 2001 से 5 तक। पंचायत में जितनी भी रोड बना है वो मेरे द्वारा ही, जो पंचायत में रोड बना वही है, लेकिन 15 बरस बीत गए, 3 मुखिया पार कर गए, लेकिन आज तक एक भी मुखिया एक बीता रोड कहीं बढ़ा नहीं सके। मेरा नाम रामदुलारी देवी, जिला अध्यक्ष पटना जिला महिला प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल।